हेलो फ्रेंड्स, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स इन 2021 के अनदर पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या करने में इंटरेस्टेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो सवालों का आंसर देने वाला हूं जो कि मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है। नंबर वन, कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करते हैं अमेजोन से तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स आएगा। एंड नंबर टू, स्पेसिफिक कौन कौन से प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करते हैं, कैसे हम किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा सेल आए, जिससे हमें ज़्यादा अर्निंग हो। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर अगर आप इस तरीके के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके फॉलोअर्स किस नीच के ऊपर बेस्ड हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम शुरू करो तो किसी एक स्पेसिफिक नीच के ऊपर काम शुरू करो। अगर आप मल्टीपल नीचेस के ऊपर जाना चाहते हो तो बिगिनिंग में दो से तीन नीचेस के ज़्यादा आप सिलेक्ट मत करो। तो आपके फॉलोअर्स अगर फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को उनके सामने अगर लाते हो, उनके सामने प्रमोट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं आएगा। तो अगर आपके फॉलोअर्स फैशन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर है तो आपको फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही उनके सामने लाना चाहिए। तो ये आप जानते हो कौन से कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप शुरू करना चाहते हो एकदम बिगिनिंग से तो किसी एक स्पेसिफिक नीच को सिलेक्ट करो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, या किसी भी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, आयुर्वेदा को सिलेक्ट कर सकते हो, या फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट को, या ब्यूटी प्रोडक्ट को, किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहो, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू लिखते रहो और उसी से जो आपके फॉलोअर्स गेन होंगे, जब भी आप इन फ्यूचर किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे उस स्पेसिफिक नीच के ऊपर तो आपका सेल आएगा। बहुत सारे बिगिनर को ये लगता है कि किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होते हैं या सेल होते ही नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर किसी एक कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो वो कैटेगरी वहाँ पे लिस्टेड रहता ही नहीं, वो गायब हो जाता। तो सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल होते हैं, आप सेल करवा सकते हो अगर आपके फॉलोअर्स उस कैटेगरी के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो। दोस्तों, क्या आप अपने लिए एक अमेजोन एफिलिएट स्टोर बनाना चाहते हो और कम बजट के अंदर एक अच्छा होस्टिंग प्लान ढूंढ रहे हो? अगर आपका कोडिंग नॉलेज बिल्कुल जीरो है, आप बने बनाए टेम्पलेट्स चाहते हो अपने ऑनलाइन स्टोर को क्रिएट करने के लिए, या एक रिव्यू वेबसाइट या कंपैरिजन वेबसाइट के लिए, तो आप Xaero.com विजिट कर सकते हो। इनका प्राइस आप देख सकते हो बहुत ही कम है दूसरे होस्टिंग प्लान के हिसाब से, बहुत अच्छे होस्टिंग ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो प्राइस शो हो रहा है इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट कूपन कोड आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, लोगो मेकर मिलता है फ्री का, इमेज रिसाइजर मिलता है, पॉलिसी जनरेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ ही राइटिंग के भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको दिए जाते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे कई बार या बहुत बार पूछा गया है कि स्पेसिफिक कौन कौन से प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया, आपके कैटेगरी के ऊपर ही बेस्ड करके आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। बट किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में किसी एक प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करें वो मैं प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप स्क्रीन में जाके आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं एज एग्जाम्पल एक कूलर को ले लेता हूँ। अगर आप कूलर करके सर्च करोगे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप सर्च करोगे, अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे कूलर आएंगे। अभी मैं यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर करता हूँ, कैसे आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। अभी मान लीजिए मुझे कूलर को प्रमोट करना है, कूलर के ऊपर मुझे एक रिव्यू लिखना है या सोशल साइट्स पे, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा? सबसे पहले तो मुझे कूलर को तीन रेंज में डिवाइड करना होगा। अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखूं तो अंडर 5000, अंडर 10000, अंडर 15000, ये तीनों कैटेगरी के ऊपर मैं चूज़ कर सकता हूं। अभी अंडर 5000 अगर मुझे लेना है, इसके ऊपर मुझे एक रिव्यू लिखना है कहीं पे, तो 5000 के अंदर जो जो कूलर्स आते हैं उनमें से कौन सा बेस्ट कूलर है, या 5000 से 10000 के बीच में जो कूलर्स आते हैं उनमें से कौन सा बेस्ट कूलर है जिसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, वो कैसे सिलेक्ट करोगे, जानने के लिए चलते लैपटॉप स्क्रीन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कूलर लिया है और चार अलग अलग टैब्स में मैंने चार अलग अलग
कूलर्स को ओपन करके रखा है। अभी देखिए यहाँ पे बजाज का कूलर है, सिम्फोनी का कूलर है। सिम्फोनी और बजाज ये दो ऐसे ब्रांड है कूलर्स में जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज के अंदर, जैसे कि ये दोनों जो कूलर है 6 से 7 हज़ार के अंदर आते हैं, तो अगर आप एक रिव्यू लिख रहे हो अंडर 10,000 में या अंडर 7,000-8,000 में, तो आप इन दोनों कूलर्स के ऊपर एक कंपैरिजन पोस्ट लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, या इन दोनों के ऊपर रिव्यूज़ भी लिख सकते हो। और इन दोनों में से आप किस प्रोडक्ट को विनर बताओगे, कैसे जानोगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए ये दोनों सेम प्राइस रेंज के अंदर है, प्रिंटिंग प्राइस लगभग दोनों का सेम है। ये बजाज का थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसका जो एक्चुअल प्राइस जो ऑनलाइन में डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आता है, वो सिम्फोनी से थोड़ा सा कम है। और अगर आप देखोगे रेटिंग्स में, तो बजाज का जो कूलर है ये बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेटिंग्स हैं सिम्फोनी के कूलर के मुकाबले। और ये तो हम सभी जानते हैं, जितने सेल होते हैं उसका 10-20% ही यहाँ पे रेटिंग्स आते हैं, सभी लोग रेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो रेटिंग आप देख रहे हो, इससे कई गुना ज़्यादा ये प्रोडक्ट सेल हो चुका है। तो पहले तो सिम्फोनी में रेटिंग्स कम है, दोनों का अगर रेटिंग देखो तो लगभग सेम है, 3.4 out of 5। और इसका अगर आप रेटिंग देखोगे, ये भी लगभग से ये थोड़ा ज़्यादा है, 3.7 out of 5। तो अगर आप इन दोनों कूलर्स का एक कंपेरिजन पोस्ट लिख रहे हो या इन दोनों कूलर का रिव्यू कर रहे हो, तो आपको इस बजाज के कूलर को विनर बताना चाहिए और इसी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना चाहिए। सोशल साइट पे भी अगर आप शेयर करोगे, तो इसी कूलर को आपको चूज़ करना चाहिए एज अ बिगिनर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि बजाज और सिम्फोनी ब्रांड में बजाज अच्छा है, नहीं, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज के अंदर इन दोनों कूलर्स में से कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए ये बता रहा हूँ। अभी देखिए आगे जो दो टैब मैंने ओपन करके रखे हैं, इसमें अगर आप देखोगे 12 लीटर के अंदर कूलर्स अलग अलग साइज़ के आते हैं। ये जो दोनों कूलर है ये स्मॉल साइज़ के कूलर है, दोनों ही 12 लीटर के हैं। ये जो दो कूलर है ये मीडियम साइज़ के हैं। एक और कूलर वेरिएशन आता है जो बड़े साइज का, बहुत बड़ा साइज का होता है। तो ये दो मीडियम साइज का है, ये दो स्मॉल साइज का है। तो स्मॉल साइज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिम्फोनी विनर है, इसके रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा है और अच्छे रेटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 out of 5 star। और वहीं पे बजाज का अगर आप देखोगे तो 3.1, और ज़्यादा रेटिंग्स भी नहीं है, ज़्यादा लोग इसको परचेस भी नहीं करते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिम्फोनी का कूलर थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे इस प्राइस रेंज के अंदर, या अगर आप कूलर के ऊपर पोस्ट लिख रहे हो या वीडियो बना रहे हो जहाँ पे आप स्मॉल कूलर्स के ऊपर आपका वीडियो है या पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको सिम्फोनी को चूज़ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आज के वीडियो में कूलर के हिसाब से एग्जाम्पल दिया। आप अपने कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ये आपको खुद सोचना है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, फेसबुक पेज में आ सकते हो। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए किसी 2-3 प्रोडक्ट के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में एकदम बिगिनर होते हो, आपके वेबसाइट में ना तो ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ना तो आपके सोशल साइट पे ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तब आपको कोई फ्री का रिव्यू यूनिट नहीं भेजने वाला है, कोई आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाला है। तो तब आप अपने घर के लिए जो प्रोडक्ट परचेज करोगे उन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, उन्हीं प्रोडक्ट पे आप व्यूज़ लाओगे, उस रिलेटेड फॉलोअर्स गेन करोगे, और बाद में जाके जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे या आपके वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेंगे, तो आपको रिव्यू यूनिट मिलने वाले हैं। अभी जब आपको कोई स्पॉन्सरशिप देता है या रिव्यू यूनिट भेजता है, तो वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा रेटिंग्स नहीं होता है, या मार्केट में न्यू आया होता है, या उससे भी बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। और तब अगर आपको उस प्रोडक्ट को सेल करवाना हो, वो भी पॉसिबल है। पहले तो तब आपके पास फॉलोअर रहते हैं, दूसरा चीज़ तब आप ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, पेड मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से कैसे आप किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, सेल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, जो ना तो ज़्यादा पॉपुलर है, ना तो उसके पास ज़्यादा रेटिंग है, या हो सकता है मार्केट में न्यू है, उसके ऊपर मैं आगे किसी एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।